बरेली में ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ई रिक्शा चालक का कसूर सिर्फ इतना था कि राह चलते दो लोगों से उसका रिक्शा टकरा गया था, जिसके बाद भी सड़क पर दबंगों ने रिक्शा चालक को लात घूसों से तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति फजरुद्दीन है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 35 साल का फजरुद्दीन ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। आज भी वो ई रिक्शा लेकर मजदूरी पर निकला हुआ था, तभी नेशनल हाईवे 24 पर बिखरी चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित नारीवाल में उसका रिक्शा दो लोगों से टकरा गया, जिसके बाद उन लोगों ने रिक्शा चालक को बीच सड़क पर लात घूसों से बेरहमी से पीटा और तब तक उसको पीटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सरेआम हुई रिक्शा चालक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पदारपुर गांव निवासी फजरुद्दीन के 4 छोटे छोटे बच्चे और पत्नी है। उसकी हत्या के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं इस मामले में एसएसपी का कहना है कि जिन लोगों ने रिक्शा चालक को पीट पीट कर मौत के घात उतारा है, उनके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ बिखरी चैनपुर थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। क्या मामला है, पुलिस क्या कर रहे करें? थाना बिखरी में नरियावल बाजार के अंतर्गत एक ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा चला रहे थे, उसी दौरान वो जो ई रिक्शा है वो दो लोगों के जो पैर पे लगा और इस दौरान दोनों में झड़प हुई और जो जिसके पैर पे ई रिक्शा की टक्कर लगी उसके उनके द्वारा जो ई रिक्शा चालक है उसकी पिटाई कर दी गई। जो ई रिक्शा चालक है उसको अस्पताल पहुँचा दिया गया जहाँ पर उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण में जो 3 लोग हैं जिनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया, तीनों ही को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जाएगा। कौन लोग हैं, कुछ जानकारी मिली है क्या? ये दोनों ही जो पक्ष हैं वो वहीं नरियावल में ही जो लोकल रहने वाले हैं और जो ई रिक्शा चालक है वो वहाँ पर ई रिक्शा चलाता था। ठीक है।